इसकी वजह क्या है यार? अच्छा कच्ची हो जाती है, टूट जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ये सोच रहे होंगे कि ये कौन लड़का है, ये मतलब अब कौन आ गया नया बंदा। तो यारो मैं अयाज ही हूँ आप लोग के सामने अपने न्यू लुक के साथ। और मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही फैसला किया या गलत फैसला किया, क्योंकि मैं अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन मैं इसमें भी खुश हूँ, ये लुक भी बड़ा अच्छा है। और ये भी आप लोग बताएंगे कि अच्छा है या नहीं। ये मनहूस गड्ढे, असल में रोड हमारा जो है ना वो थोड़ा गड्ढों पे बना दिया है इन लोगों ने। हाँ तो यार बड़ा मुश्किल हुआ है, मैं ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला मैं ही शुरू करूँगा व्लॉग। और जैसे कि आज का व्लॉग कुछ यूँ है कि यार हम लोग जा रहे थे खाना खाने, तो हमने बोला रिव्यू दे देते हैं एक अच्छी जगह। हम लोग पहले जा चुके हैं, सारी जगह तकरीबन ऐसी ही जिसमें हम पहले जा चुके हैं, द स्टॉप क्लब नाम है इसका। और वहाँ जाके हम आपको रिव्यू देंगे, मखनी हांडी कढ़ाई खाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी वही खाई थी, आज बहुत भूख लगी है मुझे। डिसाइड कर ले मखनी हांडी या मखनी हांडी कढ़ाई। नहीं नहीं मखनी हांडी है, कढ़ाई नहीं है, मुझे तुम कंफ्यूज कर रही हो ना। चले यार मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, वही मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे। और उसके बाद जो है आपको रिव्यू देते हैं खाने के बाद, क्योंकि आपको खाना नहीं दे सकते हम ना, आपको इसमें खुशबू सुंघा सकते हैं खाने की, खाली दिखा सकते हैं और मुंह में पानी ला सकते हैं खाने दिखाकर। द स्टॉप क्लब ये रहा। ठीक है हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पे, ये इसका पूरा व्यू है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए द स्टॉप क्लब। तो कहना मैं असल में ये चाह रहा था कि आज पहली बार हम बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पहुंचे, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि यार हमें यहाँ आना है। और मुझे इतनी भूख लगी हुई कि मैं बस फटाफट गाड़ी भी पार कर लिए और शीशे भी चढ़ा लिए और बस जल्दी से ऑर्डर भी लगा दो और ले आओ। चलो तो यार यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये फैमिली हॉल है, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग आते इतनी रात में, निकलते ही इतनी रातों में तो कौन मिलेगा, हम वेटर मिल जाते हैं और होटल मिल जाते, बड़ी बात है। कहाँ बैठना है? और गार्लिक नान। नान कौन से वाले? देखो हांडी तो हो गई ना भाई, हमारी हांडी हो गई है, आप हांडी हमें लगा दीजिए। रोगनी सही नहीं है यार, एक काम करते ना, एक रोगनी दो नान, हाँ एक रोगनी कर दें और दो गार्लिक कर, बस टाइम कितना लगाएगा? थोड़ा ऐसे करें। चलो ठीक है ठीक है, पकड़े भी यार आता नहीं है यार, मुझे नहीं आती व्लॉगिंग करनी। तो यार जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हांडी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे पकना, और ये भाई हैं हमारे शेफ और ये पका रहे हैं भाई, फुल मजे की। ठीक है तो अब मैं शाही हांडी ट्राई करी है। शाही हांडी ट्राई नहीं किया, मैं यही ट्राई करूँगा पहले, फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट टाइम करूँगा। असल में वो होती है थोड़ी स्पाइसी होती है, लेकिन वो रेड कलर की होती है ये। अच्छा अच्छा, रेगुलर कढ़ाई की तरह, रेगुलर हांडी की तरह होगी। जी जी, वो ये एक दूसरे के टक्कर की। अच्छा, जो नाज़रीन आप देख रहे हैं ये, इसकी दफ़ा थ्री हांडी पकती है और उसके बाद ये बेकार हो जाता है। इसकी वजह क्या है यार? अच्छा कच्ची हो जाती है, टूट जाती है सही से, लेकिन इससे जायका आता है इसमें, मिट्टी के बर्तन में बिल्कुल। आप बेटी की मोहब्बत क्या लगा के दे रहे हैं? तो जी हमारा खाना पता नहीं कब आएगा, हम इंतजार ही कर रहे हैं कब से। आज ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने बाल कटवा लिए। लेकिन जब ये बाल कटवा के घर के अंदर आए थे ना, मुझे एक सदमा सा लग गया था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मेरी बेटी को लगा, और सकीना को तो इतना बुरा कि वो इनके पास जा ही नहीं, ये कोई और इंसान है, मेरा बाप नहीं है। तो जी अब खाना आ जाए, फिर हम आपको खाने का रिव्यू देंगे। हांडी आ चुकी है यार, तो दिखाओ तो, खोल खाल के दिखाओ। हाँ दिखाओ 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 भाई दिखाओ। वाह, देखिए आप इसमें से कैसा निकल रहा है, धुआंधार एकदम। स्टार्ट करते हैं, ये रहा खाना, चले निकालें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी भर गया मेरे दाई। उनकी खास बात ये है कि हांडी भी दे रही है, हमारा ही मतलब। हाँ लास्ट टाइम हमने हांडी भी इनसे ले ली थी, आप हमें हांडी भी दे सकते, इस बार भी लेके जाऊंगी मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरी बेटी के मुंह
मैंने तो इतने वाला खा लिया, वाह माशाल्लाह। ट्राई करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलते हैं चीज़ें, क्या है इसमें? यस चीज़ लग रहा है टोफू। गरम है बहुत। हर वीडियो में ये नहीं क्या करे, लोग फेक समझेंगे। बस ये हर वीडियो में हम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट व्यू देना हमें यार, जन्नत हो गया है ना वाकई में। बहुत 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 यार। बहुत मजा आ रहा है यकीन करो। दिन तो चाह रहा है आप लोगों को भी टेस्ट करवाता लेकिन मैं करवा नहीं सकता, अभी टेक्नोलॉजी इतनी चेक नहीं हुई है, तो फिलहाल मुझे खाने दो। तो यार खाना खा लिया भाई, चटपट हो गया सब और जो बचा वो पैक करा लिया, लेकिन यार कोई इतना कोई उम्दा और लजीज था ना, बस आप लोगों को आना चाहिए, तो ट्राई करना चाहिए लाजमी, एक दफ़ा लाजमी आएँ और ट्राई करें। बहुत मक्खन मक्खन टाइप मक्खन मक्खन अलग ही टेस्ट है, मतलब चटपटा जाएगा नहीं लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था। तो अब चलते हैं भाई घर की तरफ, और बल्कि हमारा एक और जगह जाने का प्लान है, वो भी आपको आज दिखाते हैं। सकीना गिरना नहीं। तो यार अब हम लोग जा रहे हैं, और ये देखें आप इन दोनों को, ये मज़े से दोनों अम्मा बेटी मज़े से जा रही हैं, और मेरी हालत देखें आप, ये मेरे पास सामान, ये बोतल, ये सब मैं लेके जा रहा हूँ। चलो भाई मैडम सकीना। ये बात आ जाओ। तो यार हम लोगों ने अभी डिसाइड ये किया है कि हम लोगों का एक और जगह जाने का प्लान है, लेकिन वो जो है जो हमारा आज का दूसरा पार्ट है आज की आउटिंग का, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा हमारे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग बीच से हटा देंगे तो हमारे लिए फिर गलत हो जाएगा ना। देखे तो पूरा देखे। और नहीं, मजा भी नहीं आता यार कुछ, मतलब दूसरी वीडियो में सही रहेगा ना, वो अच्छा भी लगेगा। ऐसी बात है यार, इतने कहाँ से हम इतनी सारी शूट करें। तो आज के व्लॉग इतना ही था भाई, कैसा लगा आप लोगों को, और एक दफा यहाँ पर आए तो हमें कमेंट करके भी जरूर बताएगा, हमें यहाँ मेंशन भी कर दीजिएगा। आप लोग लाजमी आए हैं, अपने इंस्टाग्राम पे हमें मेंशन करके जरूर बताएगा कि आप लोगों ने ये जगह ट्राई की है, ठीक है। द स्टॉप क्लब लोकेशन है यार ये यूनिवर्सिटी रोड, बाकी ये द स्टॉप क्लब नाम है। हाँ, बेहतरीन टेस्ट है भाई, और अब क्लोज हो रहा है वो, तो इस टाइम तक तो आप लोग मत आइएगा। एक बजे इनफ है, रात के एक बजे इनफ है, अच्छा माहौल मिल जाएगा आप लोगों को। अगर ज़्यादा प्राइवेसी सन्नाटा सुकून चाहिए तो 2 बजे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो हम दूसरी वीडियो डालेंगे ना, जो इसका सेकेंड पार्ट है, वो आप लोग वो भी देखिएगा लाजमी, क्योंकि उसमें हम अपना दूसरा पॉइंट जो है वो पूरा लेंगे। मुझे सब मोमो कहते थे पहले, क्योंकि मैं बोलते हुए भूल जाती थी मुझे बोलना क्या है अल्फाज आगे। तो कहने का मकसद ये कि वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, ठीक है, वो इसके बाद आएगी इंशाल्लाह। बाकी ये कि अब हम लोग उसी वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।